देखेंगे क्लास नाइन्थ की जियोग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया का थर्ड चैप्टर जो कि है ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स होता है कि किसी भी जगह का किसी भी एरिया का जो सिंचाई का सिस्टम है ना, जो नदियाँ हैं वही ड्रेनेज कहलाती हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे कौन सी नदियाँ हैं जिससे कि वहाँ पे सिंचाई की ड्रेनेज की सुविधा होती है। यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोविंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। हम लोग जब देखेंगे तो फिजिकल मैप में तो हम लोग को पता चलेगा कि जो छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो किस तरह से बहती हुई आपस में आके अलग अलग डायरेक्शन से आके मिल जाती हैं और मेन नदी में आके मिल जाती हैं और एक मेन नदी बना लेती हैं। विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इंटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज ए लेक और ए सी और एन ओशियन। तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्टीमेटली ड्रेन्स आती हैं वो वही उसी तरह से बन जाती हैं। कोई लेक होता है, कोई सी होता है और कोई तो बहुत बड़ा ओशियन हो जाता है। द एरिया ड्रेन बाई द सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो ऐसा एरिया जहाँ पे एक ही नदी हो, सिंगल नदी हो, वो ड्रेनेज बेसिन कहलाती है। और अगर क्लोजर से अगर हम लोग देखें और नज़दीक से देखें मैप को तो हम लोग को ये इंडिकेशन मिलेगा कि किसी भी इविलेटेड एरिया में जो माउंटेन्स हैं या फिर जो अपलैंड है, ठीक है, ये सब जो है सेपरेट करते हैं दो ड्रेनेज बेसिन को। मतलब ये कि एक नदी जा रही, सपोज जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कोई एक नदी थी लेकिन यहाँ पे वाटर डिवाइड हो गया स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी। कौन डिवाइड कर दिया? ये अपलैंड जो ऊंचे ऊंचे जमीन है या फिर माउंटेन्स हैं तो वो उससे जो है पानी टकरा के किनारे से बगल से हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो अपलैंड है ये इस तरह से जो वाटर डिवाइड होता है इसी को वाटर डिवाइड कहते हैं जो कि फिगर 3.1 में दिया हुआ है। डू यू नो इम्पॉर्टेंट होता है इसको हम लोग जरूर देखेंगे और लर्न भी रखेंगे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज द अमेजन रिवर। जो अमेजन रिवर है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। और हमारे इंडिया में लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन कौन सी है? तो वो गंगा रिवर है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में कौन से ड्रेनेज के सिस्टम है, कौन सी रिवर्स हैं? तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है और ब्रॉड रिलीफ फीचर हम लोग देखने वाले हैं सब कॉन्टिनेंटल रूप से। तो जो इंडियन रिवर्स हैं उनको जो है दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हो जाता है आपका हिमालयन रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, दूसरा पेनिनसुलर यानी जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती हैं वो। तो दो भागों में इसको बांटा गया है मुख्यतः। अपार्ट फ्रॉम द ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। तो अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होने के बावजूद भी जिस तरह का फिजियोग्राफिक रीजन्स रहा है हमारे इंडिया का, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। किसमें? हिमालयन रिवर में और पेनिनसुलर रिवर में। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है ना जिसमें हमेशा पानी रहे ना। तो जो अक्सर जो अधिकतर जो हिमालय की नदियां हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं उनमें अधिकांशतः हमेशा पानी रहता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। वही पेरिनियल का मतलब कि इसमें पूरे वर्ष भर पानी रहती है। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। तो जब कभी बारिश होती है तो बारिश से इसमें पानी भर जाता है इन नदियों में, और अगर जब बारिश नहीं होती है गर्मी पड़ती है तो जो स्नो होते हैं ना हिमालयन पे वो सब जो है मेल्ट होने लगते हैं और उस वजह से भी पानी उसमें वॉल्यूम आ जाता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। ये तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में कवर कर रखा है कि जो इंदुस और ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो नॉर्थ डायरेक्शन से ओरिजिनेट होती है, जो माउंटेन के रेंजेज है वहाँ से। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉस। तो देखिए नदियाँ जब बहने लगती हैं तो अपने सामने रास्ते में कुछ चट्टानों को पर्वतों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। तो वो जो तोड़ती हैं ना तो उनसे जो दो जगह बन जाते हैं, जो गैप बन जाता है जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं, इसे ही जॉर्ज कहते हैं। और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला ये जॉर्ज हो जाता है। द हिमालयन रिवर्स हैव ए लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम दियर सोर्स टू द सी। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ये नदियाँ हिमालय की होती हैं। तो ये जॉर्ज क्लियर हुआ। देखिए जॉर्ज किसे कहते हैं, मतलब जब नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं तो काफ़ी स्पीड होता है उसमें, ठीक है, वो जाके चट्टानों से सामने रास्ते में मिलने वाले चट्टानों से बड़े बड़े हाईलैंड अपलैंड से टकराती हैं, फिर टकराती हैं, वर्षों लाखों वर्ष बीत जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ से फिर वो रास्ता बना लेती हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये अपलैंड है और इसके बीच में से ये नदियाँ अपना रास्ता बना ली है। तो ये जो सीन है, ये जो पिक्चर स्क्यू है, इसी को जॉर्ज कहते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है।
तो ये जो नदियां हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं, यानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को, सिल्ट को अपने साथ बहा के ले जाती हैं, काफी स्पीड में रहती हैं, ठीक है। और ये देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, यानी बालू और वही सिल्ट दोनों अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में लेके बहाती हैं। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर्स फॉर्म मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिटल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जो नदियां हैं, ये जो है बहुत अक्सर जगहों पे बाढ़ का रूप भी ले लेती हैं, कहीं कहीं पे लेक्स वगैरह भी बना देती हैं, और ठीक है कहीं कहीं पे मेंडर्स बना देती हैं, कहीं पे ऑक्सबो टाइप के बना देती हैं। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छा डेल्टा भी बना देती हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे सुंदरबन डेल्टा किस तरह से है। तो ये देखिए एक फिगर है, फिगर में आपको बताया जा रहा है कि नदियां हैं, मान लीजिए यहाँ से सोर्स ऑफ रिवर है, फिर नदियां ऊपर से ऐसे से निकलती हुई आ रही हैं अपर कोर्स में, फिर देखिए जैसे जैसे उनको रास्ता मिलता जाता है और जिस तरह से चट्टानों को तोड़ती जाती हैं, वो उस तरह से अपना घूमती हुई टर्न लेती हुई जाके जहाँ पे उनको ड्रेनेज होना होता है वहाँ पे वो ड्रेनेज हो जाती हैं। तो ये देखिए जो इस तरह से जो ए शेप है, ये इसी शेप को मेंडर कहते हैं। और जो फिर साथ में जब यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है तो इनके साथ जो सिल्ट वगैरह होते हैं वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो उस तरह का गड्ढा टाइप का चारों तरफ हो जाता है, वो लेक बन जाता है। तो उस तरह के लेक को ही ऑक्सबो लेक कहते हैं। और जो नदियों का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है, वो लोअर कोर्स कहलाता है, और ये डेल्टा है जो कि नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो ये तो थी शॉर्ट में हमारे हिमालयन रिवर के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर रिवर जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। तो जो पेनिनसुलर रिवर है ना, वहाँ पे तो वो पठार है, ठीक है, तो वहाँ पे तो जो नदियाँ हैं वो हमेशा पानी उसमें रहेगा नहीं, इसीलिए वो सीजनल होती हैं और जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट होती हैं किस पे, रेनफॉल पे। ड्राई वाले सीजन में अगर हम लोग देखें तो ये नदियाँ जो है इनका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जब पानी नहीं रहेगा तो फ्लो कैसे रहेगा, और इनके जो चैनल्स वगैरह हैं इनमें भी पानी कम हो जाता है। जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं, छोटी होती हैं, सॉलर होती हैं, कम गहरी वाली होती हैं, और कंपेयर में अगर हम लोग देखें हिमालयन काउंटर पार्ट से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हाउ एवर सम ऑफ द देम ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवार्ड द वेस्ट, और उनमें से ये जो हम लोग पेनिनसुलर रिवर देख रहे हैं इनमें तो अक्सर जो नदियाँ हैं वो हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट डायरेक्शन में बहती हुई चली जाती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट से बहुत ज़्यादा नदियाँ यहाँ पे पेनिनसुलर जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं और यह बहती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। उसी तरह से हिमालय रिवर भी है। हिमालय रिवर जो है वो इंदुस और गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ये मुख्य हिमालय की रिवर्स हैं। और दिस रिवर्स आर लॉन्ग, ये लंबी होती हैं और बहुत सारे अपनी छोटी छोटी जो है लंबी लंबी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर लेती हैं। और अगर ये लॉन्ग अगर इन नदियों के देखें तो हम लोग इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इनके ट्रिब्यूटरीज को ही रिवर सिस्टम कहा जाता है। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं हम लोग, तो इंदस रिवर सिस्टम को देखेंगे हम लोग। जो इंदस रिवर है वो तिब्बत में निकलती है, मतलब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ से, जो मानसरोवर लेक है वहाँ से फ्लोइंग वेस्ट और पश्चिम की तरफ ये बहती हैं। इंडिया में यह इंटर करती हैं लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जो कि जम्मू और कश्मीर में है, और यह जो है एक पिक्चर्स क्यू बनाती हैं, जॉर्ज जॉर्ज हम लोगों ने भी पढ़ रखा है, तो उस तरह का जॉर्ज पिक्चर्स क्यू बनाती हैं इस हिस्से में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। कुछ ट्रिब्यूटीज हैं इसके जैसे जस्कर, न्यूब्रा, सायोक एंड हुंजा, ये सब जो है कश्मीर के क्षेत्रों में आके ज्वाइन कर लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो हम लोगों को ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि इंदुस नदी जो इंदुस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पे इसको मार्कर से कर लेना है, जस्कर, न्यूब्रा, सायोक एंड हुंजा, ये सब। और ये कहाँ पर आके मिलती हैं, कश्मीर के रीजन में। जो इंदुस है वो फ्लो करती हैं कहाँ, बलूचिस्तान से और गिलगित से, और साथ ही साथ ये इमर्ज हो जाती हैं माउंटेन्स वगैरह में, कहाँ पे, एटॉक में। जो सतलुज है और जो वीज है, जो रावी है, जो चेनाब है, ये झेलम, ये सब जो है आपस में आके नदियाँ मिल जाती हैं इंदुस में, कहाँ पे, पठानकोट में जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो इंदुस है ना वो साउथ वार्ड डायरेक्शन में भी बहती है, और इवेंचुअली अगर देखें तो ये अरबियन सी और जो कि कराची के ईस्ट में है वहाँ पे जाके ये मिल जाती हैं। जो इंदुस का प्लेन है वो बहुत ज़्यादा ढाल वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा ढाल है, और अगर टोटल लेंथ देखें इंदुस रिवर की तो 2900 किलोमीटर है। इंदुस जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, और यह जो है वो ए थर्ड ऑफ इंदुस बेसिन इज लोकेटेड इन, जो इसका इंडिया में इस हिस्सा है जो पाया जाता है वो लगभग 1/3 ही है, और कहाँ पर यह पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भी और पंजाब में भी, और कुछ हद तक तो पाकिस्तान में भी इसके कुछ हिस्से पाए जाते हैं।
क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस रिवर ट्रीटी 1960, मतलब एक ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें कहा गया था कि इंडिया केवल 20% ही टोटल वाटर जो इंडस रिवर में है वो उसका यूज कर सकता है अपने डेली पर्पज में या इरीगेशन में, ठीक है। और यह इरीगेशन की सुविधाओं को कौन से स्टेट के लोगों में लोग यूज कर पाएंगे, पंजाब, हरियाणा और जो साउदर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का। अब हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम, जो हेड वाटर है गंगा का वो वही जो है भागीरथी कहलाती है, यानी जहाँ से वो निकलती है भागीरथी, ठीक है। और उसके बाद फिर गंगोत्री ग्लेशियर भी उसको हम लोग कहते हैं, और ये ज्वाइन कर लेती है अलकनंदा को देवप्रयाग में जो कि उत्तराखंड में है। हरिद्वार में यही गंगा इमर्ज हो जाती है माउंटेन्स में और प्लेन्स के पास से। गंगा नदी के बारे में हम लोग और अभी पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग ये फिगर देख लेते हैं। फिजिकल डिवीजन के रूप में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे इंडस रिवर है, फिर ये देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो टी सैंगपो हो जाती है रिवर, और फिर यही दिहांग में इंटर करती है और लोथिर से मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाती है। फिर ये बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पे डेल्टाज बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। बहुत से रिवर हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, बेतवा रिवर, सांभर लेक, साल्ट लेक, सतलुज, झेलम, इंदुस, चेनाब, है रावी, बीज, बहुत सारी हैं, सोन नदी है, कृष्णा रिवर है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। इसे आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन लोकेट है। ये एक फिगर दिया हुआ है 3.5 जिसमें दिखाया जा रहा है आपको कि कॉन्फ्लुएंस हो रही है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो हम लोग गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गंगा जो है ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर लेती है हिमालय से ही। इसके फ्यू जो मेजर रिवर्स हैं जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक, कोसी है, ये सब जो है जो रिवर यमुना है या जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो कि हिमालय में वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और यह पैरलर ही बहती है गंगा नदी के, और वो भी राइट साइड में इसके ट्रिब्यूटरीज के रूप में, और ये आके इलाहाबाद में मिल जाती है, तभी तो इलाहाबाद में त्रिवेणी, प्रयाग, संगम ये तीन नदियाँ आके मिलती हैं, उन्हीं को तो कहते हैं। फिर जो घाघरा है ये और गंडक और कोसी ये सब जो है नेपाल के हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और ये जो नदियाँ हैं यह अपने साथ हमेशा अपने हिस्सों में बाढ़ वगैरह नॉर्दर्न प्लेन पर हर साल देती हैं, यानी हर साल बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज होते हैं, लाइफ चाहे प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें नुकसान तो होती हैं, लेकिन देर इंक्रीज द सॉयल फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन वहाँ पे जो बाढ़ के आने से जो अपने साथ नदियाँ सिल्ट और जो फर्टाइल प्लेन वगैरह का निर्माण करती हैं डेल्टा वगैरह का, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ पे किया जा सकता है, तो एक बेनिफिशियल भी यूज़ है, दूसरा नुकसान हो जाता है वहाँ पे प्रॉपर्टीज, लाइफ वगैरह, है ना। तो लोग बनाते ही नहीं है ना, अब तो जान गए कि हर साल वहाँ पे बाढ़ आता है, तो लोग उसी अनुसार से ढल गए हैं और केवल फायदा ही फायदा वहाँ से लेते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड द चंबल, जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पे जो रिवर्स हैं उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें से जो अपलैंड से ओरिजिनेट होती हैं वो है चंबल, बेतवा और सोन। ये सब जो है ना ये सेमी एरिड एरियाज होते हैं, सेमी एरिड एरियाज मतलब बहुत कम, और इनमें बहुत ज़्यादा कम कोर्स होता है, बहुत कम पानी होता है, इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, और इनको जो है बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं होता। तो हम लोग को इसमें बताया जा रहा है कि फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा, गंगा को ये कहाँ पर आके ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, मैं आपको बताया जा रहा है कि एक नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन के रूप में अप्रूव किया गया था, और फ्लैगशिप प्रोग्राम था यह जो है यूनियन गवर्नमेंट को द्वारा बनाया गया था 2014 में, और एक कम्प्लीस इसको जो है ट्विन ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को लेकर इसमें बहुत ज़्यादा सुधार के लिए लोगों के प्रयास के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था, और इसमें कंजर्वेशन कराने के लिए और रिजर्वेशन कराने के लिए नेशनल नदी है इस वजह से भी गंगा को इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, ये आपको लिंक दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो बड़े इन लार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट्स एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फराक्का इन वेस्ट बंगाल। तो अगर हम लोग देखें बड़े रूप में अगर नदी को, तो ये जो गंगा नदी है इसके जो राइट और लेफ्ट बैंक के ट्रिब्यूटरीज है ना ये गंगा नदी के साथ पूर्व भाग में ही बहते हुए चले जाते हैं, कहाँ पर, फराक्का में जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो है गंगा का डेल्टा यहाँ पे पाया जाता है। द रिवर बाइफरकेट्स हियर, द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवार्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो बिफोरकेट हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं, और भागीरथी हुगली के रूप में यहाँ पे जानी जाती हैं, और साउथवार्ड डायरेक्शन में जो है डेल्टाइक प्लेन वगैरह बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। जो मेन स्ट्रीम है वो जो है साउथ वार्ड से लेके बांग्लादेश में, और जो है इसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र वहाँ पे,
फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। तो बाद में फिर इसको जो इसके नीचे वाली स्ट्रीम होती है ना, उसको जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। जो माइटी रिवर है, या जो माइटी रिवर है, इसमें जो वाटर है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, या जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होता है। इसके द्वारा हम लोग मैप देख रहे थे तो बताया था कि उसमें डेल्टा बनाती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ना, वहाँ पे सुंदरी ट्री है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्श लैंड टाइप में, मतलब कीचड़ जहाँ पे होता है, नम नमी दलदल ऐसे भागों में ऐसे पेड़ उगते हैं, तो इस तरह के सुंदरी ट्री वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। इसी के नाम पे सुंदर डेल्टा उसका नाम पड़ा है। और यहाँ पे सबसे ये जो पेड़ होता है ना सुंदरी ट्री, ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, जो ये सुंदरबन का डेल्टा है। और साथ ही साथ यह जो है घर है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर का। जो लेंथ है गंगा नदी की वो 2500 किलोमीटर है लगभग, और ये 3.4 फिगर में हम लोग देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा नदी का ड्रेनेज पैटर्न पूरा सिस्टम है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। जो अंबाला स्थान है वो जो है लोकेटेड है, स्थित है कहाँ पे, वाटर डिवाइडेड में, यानी अपलैंड के रूप में इसके दोनों तरफ से गंगा और इंडस की नदियाँ जाती हैं, और डिवाइडेंट के रूप में है जो है वहाँ पे उपस्थित है अंबाला। द प्लेन्स फ्रॉम द अंबाला टू द सुंदरबन स्टेटस ऊपर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। जो अंबाला का प्लेन है, जो वहाँ पे सुंदरबन है ना, वो स्ट्रेच है लगभग, फैला हुआ है लगभग 1800 किलोमीटर तक, लेकिन यह जो है ना बहुत ज़्यादा ढाल के अनुसार है, मतलब ढाल ऊपर से नीचे की तरफ ढाल है लगभग 300 मीटर, इतना ज़्यादा गहरा है, ढाल नुमा है। अगर हम अदर शब्दों में समझें तो एक फॉल है, जैसे कि मान लीजिए कि ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, हर 6 किलोमीटर के बाद आपको 1 मीटर ढाल दिखेगी, यानी 1 मीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा ढाल नुमा। इस तरह से कुछ यहाँ पे मेंडर्स वगैरह हो बन जाते हैं, मतलब ये जो ढाल है ना, इसी वजह से यहाँ पे मेंडर्स बन जाते हैं। मेंडर्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने अभी शुरू में ही फिगर में देख रखा है, फर्स्ट फिगर में। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में ईस्ट डायरेक्शन में मानसरोवर लेक से बहुत ज़्यादा सोर्सेस होकर वहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और जो है यह इंदुस और सतुलज के सोर्सेस से मिली होती है। यह जो स्लाइटली अगर देखें तो यह लॉन्गर है इंदुस की तुलना में, और जो है इसके जो कोर्स है वो आउटसाइड इंडिया यानी भारत के बाहर है, मतलब तो भारत में इसका बहुत कम ही हिस्सा होता है ब्रह्मपुत्र का। वही जहाँ पे बांग्लादेश से होकर वो इंटर करती है, बस उतना ही है, बाकी तो ऊपर ही है टीसेंगपो, जहाँ नेपाल वगैरह से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो बहुत ही कम हिस्सा ही भारत में है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, यह जो है हिमालय के पैरेलल ही ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और यह जो है नवाचा बारवा लगभग 7757 मीटर, और यह जो है फिर वहाँ जाके यू टर्न ले लेती है और इंटर करती है इंडिया में, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, वो भी एक जॉर्ज बनाते हुए। तो यहाँ पर जो है ना दियांग कही जाती है, और बाद में फिर दिबांग को ज्वाइन कर लेती है लोहित में, और बहुत सारे अदर ट्रिब्यूटरीज को भी ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र, कहाँ पे, आसाम में। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र जो है ना वो टी सेंगपो तिब्बत में कही जाती है, और जमुना बांग्लादेश में कही जाती है। जमुना नदी बांग्लादेश में कही जाती है, और वही नदी जो है तिब्बत में टी सेंगपो कही जाती है, और उसका ओरिजिनल नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बात करें तो जो नदियां हैं ना अपने साथ बहुत ज़्यादा स्मॉलर वॉल्यूम का वाटर लेकर आती हैं, और बहुत कम ही सील्ड रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे यह जो एरिया है वह कोल्ड और ड्राई एरिया है। इंडिया में यह जो है पास करती हैं हाई रेनफॉल के साथ, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम देखने को मिलता है वाटर में। कंसिडरेबल अगर देखें तो सील्ड वगैरह भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ब्रह्मपुत्र है वो ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम, मतलब जो आसाम है वहाँ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आसाम वगैरह में रैन वगैरह होते रहते हैं, तो वहाँ पे जो है पानी नदियों में ज़्यादा वैल्यूम हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे रिवर एंड आइलैंड भी हैं। क्या आपको याद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है वो कौन सा है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, जो हर एक साल हर एक वर्ष जो है ये जो नदियां हैं ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम एंड द बांग्लादेश। बांग्लादेश में और आसाम में बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थितियां हर साल है बना देती हैं रेनी सीजन में। अनलाइक द अदर नॉर्थ इंडियन रिवर द ब्रह्मपुत्र इज मार्क बाई ह्यूज डिपोजिट्स ऑफ सीड्स ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। तो वही बता रहे हैं इसमें कि जो नदियां हैं उसमें बाढ़ का जो रूप वो ले लेती हैं, और साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र है ना वो जानी जाती है बहुत बड़े स्तर पे डिपॉजिट करने के लिए, क्या चीज़, सिल्ट, और कैनल वगैरह भी इसके बन जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुला रिवर, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।